विजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सभी एनटीए, जेएनयू, एमफिल और पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2020 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को उसके ऑफिशियल आंसर की के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस किसी भी कम्पटिटिव एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोटा वोट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे, आपको बताना था क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था हमारा ऑप्शन ए, दैट मींस कि बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट डच राइसोन डेटेड मीन, तो इसका मतलब होता है द नेशनल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था कि हु एमोंग द फॉलोइंग पायनियर्ड द एम्पिरिकल अप्रोच इन लुकिंग फॉर द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन बी, यानी कि एफ डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, यानी कि रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ये सारे न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछी गई थी, द नागा डिमांड फॉर सेसेशन वॉज मेड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होना था अंगामी, जापू, फिजो, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू बेंथम नेचर हैज प्लेस्ड मैनकाइंड अंडर टू सॉवरेन मास्टर्स, तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा ऑप्शन सी, यानी कि पेन एंड प्लेजर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज वेन ए सोल इज रूल्ड बाय इट्स, तो ये चार ऑप्शन में से इसका करेक्ट आंसर होना था रैशनल पार्ट। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कम्युनलिज्म इज ड्राइव्ड फ्रॉम कम्यून विच इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टर्म, तो इसका करेक्ट आंसर होना था फ्रेंच, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड इज नॉट अ कंडीशन फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ए कम्युनिकेशन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर एज अथॉरिटेटिव, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि नॉन कॉन्फ्लिक्ट विद द पर्सनल इंटरेस्ट। फ्रेंड्स, आपको पता है कि चेस्टर बर्नार्ड ने जोन ऑफ इंडिफरेंस का आइडिया दिया है, जिसमें वो बताते हैं कि वो कौन से कंडीशंस और कौन से केसेस में सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर के ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको चेस्टर बर्नार्ड के कम्युनिकेशन थ्योरी को अच्छे से रीड करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि सम ऑफ इट्स मेंबर्स इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि एडल्ट सफरेज के बेसिस पर कोई भी मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग इन बायलेटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान रेफर्स टू मीटिंग्स अटेंडेड बाय द विच डिग्निटरीज ऑफ द टू कंट्रीज, इसका करेक्ट आंसर होना था फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अमोंग द फॉलोइंग वाज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द डेवलपमेंट ऑफ लिबरल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका राइट आंसर होना था ह्यूगो ग्रोसियस। आपको पता है ह्यूगो ग्रोसियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से पूछा गया था कि हु सेड एनी चेंज बिग और स्मॉल सडन और ग्रेजुअल पार्शियल और कंप्लीट इज अ रिवॉल्यूशन, ये किसका स्टेटमेंट था आपको बताना था। ये चार ऑप्शन आपके समक्ष गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, दैट मींस कि एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पीएम केयर्स। पीएम केयर्स से भी पूछे गए थे क्वेश्चन एग्जाम में, कोरोना वायरस पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सारे फंड काम कर रहे हैं इसके तहत, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी,
यानी कि इट हैज़ बीन सेट अप थ्रू ऑर्डिनेंस ऑफ द प्रेसिडेंट, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, और बाकी जो ए बी और डी स्टेटमेंट जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो करेक्ट है। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि हु क्वाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल रिवॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी कैंडिडेट्स को पता है, ऑप्शन बी यानी कि जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन मेडिवल यूरोप व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूनिटी, यानी कि यूनिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा था मेडिवल यूरोप में। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि द कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस पोस्ट मॉडर्निज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, दैट मीन्स अ रेंज ऑफ चैलेंजेस टू द एजम्पशंस ऑफ मॉडर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, जुडिशरी कैन बाय इटसेल्फ टेक कॉग्निजेंस ऑफ द एक्सेसेस ऑफ द ऑफिशियल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट पेयर है। एक तरफ आइडियाज दिए हुए थे और दूसरे तरफ उनसे रिलेटेड थिंकर्स के नाम दिए हुए थे। ऑप्शन ए में था द एंड ऑफ हिस्ट्री, ये फ्रांसिस फुकुयामा जी का आइडिया है, ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। ऑप्शन बी में था द एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ये डेनियल बेल जी के द्वारा दिया गया आइडिया है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, ये एस बी हंटिंगटन जी के द्वारा दिया गया आइडिया है, लेकिन द न्यू वर्ल्ड रॉबर्ट नॉजिक के द्वारा दिया गया आइडिया नहीं है। तो ये इनकरेक्ट पेयर है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आप ध्यान में रखेंगे कि रॉबर्ट नॉजिक जी की एक बहुत ही फेमस रचना है द एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी। एक क्वेश्चन था कि कांट सेज दैट द बेसिस ऑफ मॉरेलिटी इज, ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, दैट मीन्स की कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम। एक क्वेश्चन हर्बर्ट साइमन जी से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ साइमन्स डिसीजन मेकिंग थियरी। ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैन मैक्सिमाइजेज, ये इनकरेक्ट है, बाकी ए बी डी ये करेक्ट ऑप्शन है। ये तीनों ही स्टेटमेंट ए बी डी में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हर्बर्ट साइमन जी के डिसीजन मेकिंग थ्योरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड एडवर्ड सैयद ओरिएंटलिज्म आर्ग्यू, यानी कि एडवर्ड सैयद जी का जो ओरिएंटलिज्म है वो किस चीज को लेकर आर्ग्यू करता है, वो क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, दैट मींस कि यूरोपियंस हैव टेंडेड टू डिफाइन देमसेल्व्स इन अपोजिशन टू द ओरिएंटल अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बी आर अम्बेडकर जी को लेकर था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट गिवन बाय बी आर अम्बेडकर। ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, दैट मीन्स कि ब्रिटिश रूल इज बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ द गॉड इन द मॉडर्न इंडिया। ये स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दिए हुए नहीं है, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट ए बी सी ये तीनों स्टेटमेंट बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्टिविस्ट आर्ग्यू दैट, ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी द ट्रूथ इज ऑलवेज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि जो ट्रूथ है वो हमेशा सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट से क्वेश्चन आया हुआ था कि हु सेड एवरी नेशन हैज इट्स सोल विच कुड बी लोकेटेड इन इट्स चीटी। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। एक क्वेश्चन था कि द इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी वाज सब्सटेंशियली रिवाइज्ड इन 2017 अंडर द भूटानीज किंग। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, जिग्मे खेसार नामगेल वांगचुक। आप ध्यान में रखेंगे कि जिग्मे खेसार नामगेल वांगचुक भूटान के किंग थे जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी 2017 में साइन हुई थी। एक क्वेश्चन था कि साइकिल इज द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज। ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, समाजवादी पार्टी एंड तेलुगु देशम पार्टी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ फॉर द सिविल सर्विसेज इन अ डेवलपिंग कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, हेल्पिंग द पीपल टू कीप अब्रेस्ट ऑफ चेंजेस इन सोशल लाइफ इन द डेवलप्ड कंट्रीज। ये करेक्ट
ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। हॉब्स से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में कि हु सेड द लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी पुअर नास्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो ये स्टेटमेंट है थॉमस हॉब्स जी का, जो वो स्टेट ऑफ नेचर को बताते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में जो लाइफ है वो व्यक्ति का सॉलिटरी है, पुअर है, नास्टी है, ब्रूटिश है और शॉर्ट है। स्टेटमेंट को लेकर एक क्वेश्चन था कि हु सेड मैक वीमेन रैशनल क्रिएचर एंड फ्री सिटीजन्स एंड दे विल क्विकली बिकम गुड वाइफ्स, दैट इज इफ मैन डू नॉट नेग्लेक्ट द ड्यूटीज ऑफ हस्बैंड एंड फादर्स। तो ये स्टेटमेंट है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट का। आप ध्यान में रखेंगे कि मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एक प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट थिंकर हैं और इनकी एक फेमस कृति है द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अकॉर्डिंग टू थॉमस एक्विनास मैंस अल्टीमेट हैप्पीनेस कंसिस्ट्स इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होना था ऑप्शन डी, कंटेम्पलेटिंग गॉड, यानी गॉड को खुश रखना किसी भी तरह से, वही मैन का एक व्यक्ति के लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु सेड क्वेस्ट फॉर फ्रीडम एंड सर्च फॉर ट्रूथ कंस्टिट्यूट द बेसिक अर्ज ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी, यानी कि ये एम एल रॉय जी का स्टेटमेंट है। एक क्वेश्चन था कि इनमें से आपको एक इनकरेक्ट पेयर को चूज करना है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि लैंडमार्क जजमेंट्स दैट चेंज इंडिया। ये जो बुक है वो जिया मोदी जी की नहीं है, ये बुक है अशोक कुमार गांगुली की। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की कंपोनेंट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि कम्युनिकेबिलिटी। देखिए ऑप्शन ए में दे रखा था अकाउंटेबिलिटी, जो कि गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट में आता है, ट्रांसपेरेंसी भी आता है और प्रिडिक्टेबिलिटी भी आता है, लेकिन कम्युनिकेबिलिटी नहीं आता है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इजा बर्लिन आर्ग्यूड दैट। तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी, पॉजिटिव कंसेप्शंस ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंटेड अ सीरियस थ्रेट टू फ्रीडम। आप ध्यान में रखेंगे कि इजा बर्लिन की एक बहुत ही फेमस रचना है, फेमस बुक है, उसका नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में पब्लिश हुई थी। और आप यह भी ध्यान में रखेंगे कि इजा बर्लिन जो है वो निगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच जनरल इलेक्शन एंडेड द पीरियड ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1967 के इलेक्शन में जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स से वन पार्टी डोमिनेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि 1967 के इलेक्शन में जो है वो कांग्रेस 9 राज्यों में हार जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज मिंट बाय लाइसेंस कोटा परमिट राज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सेंट्रलाइजेशन। एक क्वेश्चन था कि व्हाई कैन पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स ऑफ ट्रेडिशनल इंटरनेशनल रिलेशंस देमसेल्व्स बी क्वेश्चन्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी, दे कैन रोमांटिसाइज नॉन वेस्टर्न कल्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कॉलोनाइज्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ द लैटिन अमेरिका कंटिनेंट बिफोर इट गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी, दैट मीन्स कि स्पेन। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरम को लेकर कि कोरम फॉर एनी हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर रिक्वायर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना रिलेटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज द पैट्रोन इन चीफ ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हिस्ट्री फ्रॉम बिलो प्रोवाइडेड द बेसिस फॉर पॉलिटिकल डिस्कोर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल। तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि सबल्टर्न स्कूल। एक क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय से पूछा गया था कि हु सेड भारत माता इज द बेसिस ऑफ आवर नेशनैलिटी नॉट जस्ट इंडिया। इफ यू डिलीट द वर्ड माता इंडिया विल बिकम द पीस ऑफ लैंड ओनली। ये स्टेटमेंट दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा,
दीनदयाल उपाध्याय जी से आपके एग्जाम में दो क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी मार्क्स आर इन द मध्यम मार्ग ऑफ बुद्धिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि 8 मार्ग जो है वो बुद्धिज्म के द्वारा बताया गया था मध्यम मार्ग के लिए। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज नियो रियलिज्म, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि एन अटेम्प्ट टू रिस्टेट द बेसिक आइडिया ऑफ रियलिज्म इन अ मोर साइंटिफिक फॉर्म, यानी रियलिज्म के बेसिक आइडिया को साइंटिफिक तरीके से विश्लेषित करना ही नियो रियलिज्म है। एक क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया हैज काला पानी एंड सुस्ता टेरिटोरियल डिस्प्यूट विथ, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, यानी कि नेपाल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु अमोंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड फोर आई जाए द बेसिस ऑफ पार्टी फॉर्मेशन, यानी किसने कहा है कि पार्टी फॉर्मेशन के लिए फोर आईज की जरूरत पड़ती है, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड मूव अंडर वॉच प्राइम मिनिस्टरशिप द प्रेसिडेंट कॉल्ड फॉर रेजिग्नेशन ऑफ 18 गवर्नर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस गवर्नमेंट। ओके, प्रेसिडेंट ने 18 गवर्नर को रिजाइन करने के लिए कहा किसके प्राइम मिनिस्टरशिप में, जो कि प्रीवियस गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि वीपी सिंह की गवर्नमेंट। एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स से पूछा गया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन आर्टिकल 25, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पस। बाकी जो तीन ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों आर्टिकल 25 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि द टर्म कल्चरल कैपिटल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि नन ऑफ द एबव, यानी इनमें से कोई भी कल्चरल कैपिटल का आइडिया नहीं दिया है। यानी कल्चरल कैपिटल का आइडिया किसका है, तो पियरे बॉर्ड्यू जी के द्वारा ये आइडिया दिया गया है, और रॉबर्ट पुतनम ने सोशल कैपिटल का आइडिया दिया है, ध्यान में रखेंगे आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड रियलिज्म चैलेंज द एकेडमिक सुपरमेसी ऑफ लिबरल थॉट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो ये चार ऑप्शन आपको गिवन थे, इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रियलिज्म लिबरल थॉट के सुपरमेसी, एकेडमिक सुपरमेसी को चैलेंज करता है, उसके लिए ये तीनों रीजन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रुडोल्फ्स इंट्रोड्यूस्ड द नोशन ऑफ ब्लॉक कैपिटलिस्ट इन द वेक ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन। एक क्वेश्चन पूछा गया था असर्शन रीजन से, असर्शन में दे रखा था ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ नेशन स्टेट्स, और रीजन में दे रखा था नेशन स्टेट्स सीम टू हैव लॉस्ट देयर सॉवरेनिटी इन एन एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो देखिए असर्शन और रीजन दोनों सही था, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना था हमारा ऑप्शन बी, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एक क्वेश्चन था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, टू ले डाउन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द टेबल्स ऑफ द हाउस। एक क्वेश्चन था रामानंदन कमिटी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन डी, टू डिसाइड क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर फ्रॉम ओबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट डज इंफ्रा पॉलिटिक्स डिनोट, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन सी, द वे इन विच सीमिंगली पावरलेस पीपल सबवर्ट द अथॉरिटी ऑफ द पावरफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म वेव इन हंटिंगटन्स थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ब्रॉडली रेफर्ड टू, यानी कि हंटिंगटन के द्वारा जो थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन दिया गया था उसमें वेव का मीनिंग क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन बी, यानी कि ट्रांजिशन। एक क्वेश्चन था कि इंडिया कंडक्टेड ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द इंडियन ओशियन अलॉन्ग विथ यूएसए जापान एंड ऑस्ट्रेलिया टर्म्ड, तो इसको हम जानते हैं ऑप्शन ए, यानी कि मैलाबार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर, ऑप्शन ए है द गवर्नर सेल
होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी, ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर इज इन द स्केड्यूल्ड थर्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी है, गवर्नर हैज नो लेजिस्लेटिव पावर्स, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। डी है, डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, मेंशन नहीं किया गया है उसके डिस्क्रिशनरी पावर्स को, तो ये भी बिल्कुल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होना था ऑप्शन ए, यानी कि ए और बी सही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आगे की वीडियो में मैं आपको कवर कर दूंगा। ओके, तो यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो UGC नेट एग्जाम पॉलिटिकल साइंस, JNU इंट्रेंस एग्जाम, DU इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।